नेटवर्क के जाने माने ब्यूरोक्रेट। आप जब सचिव नगर विकास थे भारत सरकार में, तो आपने देश को स्वच्छ बनाने का सपना साकार किया। आपने देश को स्मार्ट सिटी बनाने की धरोहर दी। आज पूरा देश जो सफाई, जो तरह तरह के परिवर्तन देख रहा है, उसके पीछे हमारे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं, बहुत ही मेधावी IITian हैं, और किसी भी कॉन्सेप्ट को कन्वर्ट करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं। हम लोगों का गौरव है कि हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आएं और हमारे भैया बहनों और सभी ऑडियंस का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। हम लोग ब्रॉडकास्ट माध्यम से जुड़े हुए हैं और लगभग 20-25 लाख बच्चे अभिभावक इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं और आप सभी लोग देखे जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा भाई साहब से कि कृपया मन विद्या भारती पूर्वी के समापन कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे माननीय जल शक्ति मंत्री जी, मंच पर उपस्थित हमारे विभिन्न विशिष्ट महानुभावगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम सारे हमारे सम्मानित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो एक कार्यक्रम विद्या भारती के द्वारा मनाया जा रहा था, उसका समापन कार्यक्रम है, जहां पर तमाम सारे वीरों को जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ बलिदान किया है, आज उन सबको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। मैं आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो आपने सृष्ट संवाद भारती नाम से एक विशेषांक निकाला है, जिसको अभी तुरंत आपने जब इसका विमोचन हुआ, मैंने क्विकली उसको देखा और देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि इस विशेषांक में वो तमाम सारी चीज़ें हैं जो हम सबको जाननी चाहिए। वो तमाम सारे लोग जिनके बलिदान से आज हम आप सभी, देश का हर नागरिक स्वाधीनता की सांस ले रहा है, उन सारे बलिदानियों का इसमें बहुत अच्छा चर्चा दिया हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों का, ऐसे लोगों को जिन्हें परमवीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र से नवाजा गया, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया ताकि हम आप स्वाधीन रहे, एक स्वाधीन देश की स्वतंत्रता अक्षुण रहे, उसके लिए उन्हें अपने न्यौछावर किया। मैं इसके लिए विद्या भारती को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी इस हॉल में जिस प्रकार से इतने सारे हमारे देश का आन बान शान तिरंगा लहरा रहा है, जिस प्रकार से भारत माँ की गूंज हो रही है, ऐसा माहौल मैं समझता हूँ कि शायद 1942 में, हम तो नहीं जानते, उसका वर्णन कहीं लिखा हुआ तो नहीं मिलता, लेकिन शायद 1942 में रहा हो, क्योंकि तब तक देश ने तिरंगा स्वीकार कर लिया था। शायद 1947 में रहा हो, जब देश हमारा स्वतंत्र हो गया था, यहाँ की जो ब्रिटिश हुकूमत थी वहाँ से, यहाँ से समाप्त होकर के प्रस्थान कर चुकी थी, शायद उस समय रहा हो। लेकिन अभी हम सभी साक्षी हैं, पूरे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे करोड़ों की संख्या में, अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो 5 करोड़ से कहीं ज़्यादा झंडे लोगों के घर घर में, गली में, मोहल्ले में, बाजार में, दुकान पे, संस्थान में, तमाम सारी जगह इतने सारे झंडे कभी देश में नहीं निकले होंगे। और हर एक के मन में, दिल में जो देशभक्ति और देश प्रेम का जो भावना था, वो एक
ऐसा नमूना था जो मैं समझता हूं कि पूरे देश को एक माले में पिरो दिया, उस देशभक्ति में, देश प्रेम में। पूरे दुनिया में एक संदेश गया कि भारत हमारा एक है और वो भारत इस तिरंगा के नीचे कुछ भी करने के लिए प्रणबद्ध है। अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को लाल किले के प्राचीर से सुना होगा। पिछले साल जब वो संबोधन कर रहे थे 15 अगस्त 2021 को, तो उन्होंने कहा था कि हम एक अमृत काल में प्रवेश करने वाले हैं। 2047 का भारत कैसा होगा, जब देश आज़ादी का 100वां साल मना रहा होगा, हम कैसे होंगे, उसको सोचने की ज़रूरत है और उसको सोच करके वैसा करने की ज़रूरत है कि जैसा हम सोच रहे हैं अपने देश के बारे में, क्या हम वैसा होंगे कि नहीं होंगे, उसमें हमारा क्या योगदान होगा। हम जिस किसी रूप में हो, हम एक विद्यार्थी हो, जो मुझे बताया गया कि 1952 में, आज से 70 साल पहले, आदरणीय नानाजी देशमुख ने गोरखपुर में पहले सरस्वती शिशु मंदिर का शुभारंभ किया था। शायद उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि जब इसकी 70 साल पूरे होंगे तो ये एक जो बीज उन्होंने बोया था गोरखपुर में, 13,000 अपनी शाखाएं खोल देगा पूरे देश में। एक छोटी सी संख्या से उन्होंने गोरखपुर में प्रारंभ किया होगा और आज लगभग 36 लाख विद्यार्थियों को न केवल शिक्षा, बल्कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार, अपने देश के प्रति प्यार, अपने देश के लिए प्रतिबद्धता, अपने समाज के लिए प्रतिबद्धता, ऐसे संस्कार डाल रहा होगा पूरे देश के कोने कोने में। और मुझे बताया श्री कुमार जी ने कि अब इसकी शाखाएं विदेशों में भी इसकी शाखाएं जाने लगी हैं, तो मैं समझता हूँ इसका भविष्य कितना उज्जवल है। तब जबकि अमृतकाल, जिसका अभी 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये हमारी अमृतकाल की पहला प्रभात है, यानी अमृतकाल यहाँ से शुरू हो गया है, देश एक नए दिशा में चल चुका है। उन्होंने इस दिशा को चलने के लिए पंच प्राण की बात की, उन्होंने बहुत सारी बातें की जो आप सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा पंच प्राण की बात की उन्होंने। वो पंच प्राण है, पहला प्राण संकल्प। बगैर संकल्प के कोई भी सिद्धि नहीं होती। अगर 1942 में देश ने संकल्प लिया, भारत छोड़ो, विदेशी भारत को छोड़ के जाओ, और उस संकल्प की सिद्धि 1947 में 5 साल के बाद हुई। ऐसे जो संकल्प हमारे देशवासी लेंगे, उस संकल्प की सिद्धि आप 2047 में, जैसा मैंने कहा अमृतकाल के बारे में, हम सभी भगवान ने हमें एक ऐसी हमें शक्ति दी है, सोचने की शक्ति दी है कि चाहे हम 247 में रहें या न रहें, मालूम नहीं इसमें से कुछ लोग न भी रहेंगे और बहुत सारे लोग रहेंगे भी, लेकिन हम अपने विचार शक्ति से अपने आप को 2047 में पहुंचा सकते हैं और सोच सकते हैं उस समय सरस्वती शिशु मंदिर कैसा होगा, उस समय हमारे विद्यार्थी कैसे होंगे, उस समय हमारे बाजार कैसी होगी, उस समय हमारे मजदूर की, किसान की, उनकी कैसी स्थिति होगी, उस समय हमारा देश कहाँ पे होगा, ये सब तमाम सारी चीज़ें अपने विचार शक्ति से यहाँ बैठे बैठे हम सोच सकते हैं और फिर हम उसके साथ संकल्प ले सकते हैं। हम उस भारत को देखना चाहते हैं जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज हम विकसित भारत हैं, विकसित नहीं बल्कि विकासशील भारत है, डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग से 2047 में अगले 25 साल की यात्रा हमें डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में ला दे, जो कि एक विकसित देश के रूप में अब हो जाए। वो हम सोच सकते हैं कि हमारे देश की गांव कैसे होंगे, शहर कैसे होंगे, खेती किसानी कैसे होगी, फैक्ट्री कैसे चलेंगे, क्या क्या हम प्रोडक्शन कर रहे होंगे, क्या क्या चीज़ें हम आत्मनिर्भर भारत के रूप में अपने देश के लिए, पूरे दुनिया को देने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर रहे होंगे, ये सारी अपनी संकल्प शक्ति से हम ले सकते हैं और उस संकल्प पे हम लोग चल सकते हैं। और एक बार जब देश चलेगा तो ये 2047 का लक्ष्य बहुत आसान हो जाएगा। जो दूसरे प्राण की बात की प्रधानमंत्री जी ने,
जो दूसरा प्राण की बात की उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने वो बात की कि हमारे मन में, हमारे जहन में कहीं न कहीं गुलामी है, गुलामी की जंजीरों से भी हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए आज़ादी के 75 साल पूरा होने के बाद भी। अगर जिस किसी कोने में हमारे गुलामी हो, जहाँ पे हम अपने आप पे विश्वास न कर पा रहे हो, जहाँ पे हमें लगता हो कि हमको किसी और से सर्टिफिकेट चाहिए, किसी और से प्रमाण चाहिए कि हम अच्छे हैं, उस बात को निकाल करके भारत की ताकत अगर आप पीछे मुड़ करके देखें तो भारत दुनिया का सिरमौर था। ये तो वो देश है जहाँ पे देवी देवता भी पैदा होने के लिए लालायित रहते थे, गायन्ते देवा किलगे तकानी धन्यास्तु हे भारत भूमि भागे, ऐसा ये देश था जहाँ पे देवी देवता भी तरसते थे कि यहाँ पे पैदा होने के लिए। ये वो देश था जिस सोने की चिड़िया को ढूंढने के लिए कोलंबस निकल पड़ा था, पहुँचा कहीं और लेकिन कोलंबस निकल चला था। ये वो देश था जो सोने की चिड़िया को ढूंढने के लिए वास्को डी गामा आए थे। ये वो देश था जहाँ दुनिया की दृष्टि मेगास्थनीस, वेनसांग, फाहियान, कितने सारे लोग इस देश में आते थे, कुछ ज्ञान के लिए, कुछ विज्ञान के लिए, कुछ यहाँ के व्यवसाय के लिए, बहुत सारा। ये वो देश था जब पहले बार जहांगीर के दरबार में वो आए फतेहपुर सिकरी में, तो कहा गया था तो पेरिस और लंदन भी नहीं है, वो हमारा देश था। लेकिन हम समय के साथ पीछे होते चले गए। तो हम कब अपने आप को ऐसा करें कि हमारे मन की जो मानसिकता में है, मैं मानसिकता की बात करता हूँ तो आप समझ रहे होंगे कि किस मानसिकता की बात करता हूँ, जहाँ हमें अभी भी गुलामी की जंजीरों में बकड़ी हुई है, उससे हम बाहर निकल जाएं। और जब उससे निकल जाएंगे तो खुले आसमान में देश की जो ताकत है उस ताकत को हम प्राप्त कर सकते हैं। जो तीसरा प्राण उन्होंने बात की माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो प्राण बात की उन्होंने नारी शक्ति की। नारी शक्ति आज जिस प्रकार से उभर करके हमारे देश में आई है, जिस प्रकार से एक महिलाओं का हर एक क्षेत्र में, आप विज्ञान हो, आसमान में जो तमाम सारी चीज़ें हो, जो हमारे समुद्र में जो 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 चीज़ें हो, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, सेना में ले लीजिए, पुलिस में ले लीजिए, प्रशासनिक में ले लीजिए, राजनीति में ले लीजिए, सभी जगह जिस प्रकार से महिलाओं का आज जिस प्रकार से उनका वर्चस्व बना है और जिस प्रकार से उनका योगदान बना है, वो अपने आप में प्रशंसनीय है। और उसको हमें ताकत देने की जरूरत है ताकि देश का 100% लोग इस देश को बनाने में लगे। वो तीसरा प्राण नारी शक्ति का है। जो चौथा प्राण उन्होंने बताया, वो चौथा प्राण उन्होंने बताया टेक्नोलॉजी का। उन्होंने कहा कि हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उसने पूरे देश को एक शक्तिमान शक्ति दे दी थी। उसके बाद हमारे तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें जोड़ा था जय विज्ञान, माने किसान भी, जवान भी और विज्ञान भी। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक चौथा चीज जोड़ा है, चौथी कड़ी जोड़ी है, जय अनुसंधान, यानी जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब है टेक्नोलॉजी, अनुसंधान का मतलब है इनोवेशन, अनुसंधान का मतलब है स्टार्टअप। आज हिंदुस्तान में एक पूरे दुनिया में उभरता हुआ स्टार्टअप की बहुत बड़ी ताकत हिंदुस्तान निकल कर के आया है। और आज हमारे बच्चे, जैसे मैं IIT में पढ़ा हूँ, और IIT में पढ़ने के बाद ज़्यादातर लोग सोचते थे कि हम विदेश में चले जाएँ पढ़ने के लिए, अमेरिका जाएँ, जर्मनी जाएँ, फला जगह जाएँ। मैं तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ गया, हमारे साथी सारे विदेश निकल गए, मोस्टली विदेश निकल गए। लेकिन आज IITs में या NITs में या तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस में आज बच्चे निकलते हैं, स्टार्टअप सेटअप करते हैं, क्योंकि आज देश में जरूरत है, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो हमारी जरूरत, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की, हर जगह टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आप रोबोटिक्स है। कल ही मैंने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, मुझे गौरव प्राप्त हुआ, मुझे सम्मान प्राप्त हुआ, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर में मैंने एक वर्ल्ड क्लास रोबोटिक्स लेबोरेटरी का शुरुआत की, जिसके लिए मैं आभारी हूँ श्री जगदीश गांधी जी का, उन्होंने मुझे ये मौका दिया। ये आने वाली टेक्नोलॉजी है, ये अनुसंधान बच्चों को इस बात को तैयार करने के लिए कि जब हम 2047 के विकसित भारत को करेंगे तो बगैर टेक्नोलॉजी को अंगीकार किए नहीं करेंगे। इसलिए जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये चौथी चीज़ उन्होंने जोड़ी।
ये इस देश की ताकत आज जिस प्रकार से पिछले 8 साल में तमाम सारे लोग जो मेरे जानकारी में है, तमाम सारे लोग जो जुड़ गए और उसको जुड़ करके जिस प्रकार से उन्होंने काम करना चालू किया, उसका ये सारा का सारा नतीजा है। और जब जब देश जुड़ जाता है तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। ये हमारी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जैसे कि एक बार शुरुआत हुआ, देखे हर घर तिरंगा का शुरुआत हुआ। ऐसा कौन सोचता था कि हर घर तिरंगा होगा? तो कहीं भी आप जाइए, अभी मैं 2 दिन पहले 15 अगस्त को एक अमृत सरोवर को मैं वहाँ पे अमृत बन वहाँ पे लग रहा था, उसके लिए मैं गया एक लखनऊ के गांव में, यहाँ से कुछ 30-40 किलोमीटर दूर। मैंने देखा सब तरफ तिरंगा, पूरा का पूरा वो अमृत सरोवर में तो पानी था ही था, लेकिन वो पानी के चारों तरफ तिरंगा लहरा रहा था। ये उस गांव की ताकत बन करके निकल करके आई है। तो ये हमारा जो आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो हमारी अगले 25 साल की जो ताकत है, वो ताकत हमारे लोग हैं, और उसको कैसे इसको प्राप्त करेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए दिशा में हमें लेकर के चलना है। मैं आप सबको, आपने जो तमाम सारे लोगों को यहाँ पे बुलाया और वहाँ पे सम्मान कर रहे हैं, मुझे बुलाया, मुझे भी सम्मान किया, मैं आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे गुजारिश भी करना चाहता हूँ, सौरभ जी से मैं पहले भी कर चुका हूँ और कई बार मंचों पे कर चुका हूँ, गुजारिश ये करना चाहता हूँ, अभी आपने एक पुस्तक का विमोचन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने तारीफ भी की। ऐसे संवाद भारती इतनी बढ़िया कि हर कोई को अपने पास रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन उसमें एक चीज़ मेरे मन में खटकी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि शायद मेरी बात आप और भी जगह जो इस प्रकार के मंचों में आप ले जाएं। जब भी हम इस प्रकार के विमोचन करते हैं, इतना ज़्यादा कागजों से उसको लपेट देते हैं, आखिर में क्या मिलता है उस लपेटने से? एक कूड़ा, हम अतिरिक्त कूड़ा पैदा कर रहे हैं। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तौर पर मैंने पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश के हर नगर में मैंने फॉलो किया और मैंने सीखा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, कितने कूड़े को हम लोग कम कर सकते हैं। आप सोचिए कि यहाँ पे इस मंच पे इतना सारा कागज ये सारे कूड़े में जाएगा, किसी का भला नहीं, इतने सारे फीते जो सारे कूड़े में जाएंगे। अगर इसकी जगह पे केवल एक जो हमारे माननीय जल शक्ति मंत्री जो अध्यक्षता कर रहे हैं, अगर उनके सामने एक पुस्तक को केवल एक फीते से सिंबॉलिक अगर उसको आप एक फीते से बांध देते, क्योंकि आप इसके अध्यक्षता करें और आपके द्वारा भी विमोचन किया जा रहा, बाकी हम सब आपके साथ हैं, तो हम केवल पुस्तक दिखाने के लिए, फोटोग्राफ लेने के लिए है, विमोचन तो माननीय जल शक्ति मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा, अगर वो फीता खोल करके एक सिंबॉलिक करते तो इतने की जगह बहुत थोड़ा सा कूड़ा बनता, और मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होगी, हम कूड़े को कम करें। आप स्वयं सोचिए, क्योंकि आज हमारा देश साफ होने जा रहा, ये देश स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध तब होगा जब हर नागरिक अपना उसमें सहयोग करेगा। तो कैसे आप अपना कूड़ा कम पैदा कर सकते हैं? अगर आप सोचें तो सैकड़ों चीज़ें कम कर सकते हैं। आप बाज़ार में जाते हैं लेने के लिए, इतने सारे झोले लेते हैं, एक झोला लेके जाएं, उसी में सब कुछ लेके आएं, देखिए उतना सारा कूड़ा कम हो गया। क्यों कूड़े के भार को हम बढ़ा रहे हैं? फिर तो उसको हमें कुछ कुछ तो करना पड़ेगा, उस चीज़ को हम क्यों करें? अगर अपनी व्यवस्था को हम ऐसा बना दें कि जिस व्यवस्था से हमें कूड़ा कम हो, कितनी चीज़ों को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, कितनी चीज़ों को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, अगर हम उसको रिसाइकिल करना चालू करेंगे तो उससे कितना सारा फर्क पड़ेगा। तो मेरा मानना, मैं इसलिए आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि शायद आगे के कार्यक्रमों में आप अगर विमोचन करें तो केवल एक सिंबॉलिक, बाकी सारे लोगों के साथ, फोटोग्राफ के साथ। मैं, आपने मुझे यहाँ पे बुला करके सम्मान किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा, ये केवल कहने की बात नहीं है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधन किया विधान भवन से, आज देश बदल रहा है,
और देश बदलेगा इसलिए नहीं कि एक संबोधन से, देश बदलेगा जब हर कोई संबोधन के साथ अपने आप को सोचेगा, समझेगा, अपनी जिम्मेदारी समझेगा और इस जिम्मेदारी को लेकर के आगे बढ़ेगा, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। और ये हम सबका, जब देश बढ़ेगा तो हम सबको एक अच्छा माहौल मिलेगा। मैं उसके लिए उसी बात के साथ कि अमृतकाल की यात्रा प्रारंभ हो गई और ये यात्रा पूरे देश के लिए, हम सब के लिए, जब देश है तो देश हम सब से मिलकर के देश बनता है, हम सब के लिए सुखमय हो, बहुत अच्छी उपलब्धियाँ हों, देश हमारा दुनिया के शिखर पर पहुँचे, यहाँ पे सब कुछ, लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाए, जो जिसकी जितनी क्षमता है उस क्षमता के मुताबिक वो अपना सब कुछ उपलब्ध कर सके। मैं उन्हीं भावनाओं के साथ एक बार दोबारा आपको धन्यवाद देता हुआ वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।